दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो संपत्ति आपके बाप दादा की है उस पर हर हाल में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप बेटे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोज कीजिए कि किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है और उसका पति और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। ऐसे में अगर लड़की कमाने योग्य नहीं है तो उसका जीवन तो नरक हो जाएगा। तब सहारे की उम्मीद उसको लगती है मायके से। लेकिन अगर माता पिता भी मदद ना करना चाहें और भाई पैतृक संपत्ति में से कुछ भी नहीं देना चाहे तो क्या होगा? जाहिर है, तब उस लड़की की ज़िंदगी किसी नरक से कम नहीं होगी और उसकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी। ऐसे में उस लड़की या महिला को क्या करना चाहिए? क्या वो अपने पिता की संपत्ति पर कानूनन क्लेम कर सकती है और उसमें अपना हिस्सा मांग सकती है? क्या पिता की संपत्ति में उस बेटी के लिए कोई हक बनता है? और क्या बेटियां शादी होने के बाद भी अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती हैं? दोस्तों, ये एक लड़की की समस्या नहीं है, हमारे देश में बहुत लड़कियों के सामने यही समस्या आती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिता, भाई, पति या किसी और पर भी अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो उन लेडीज़ की ज़िंदगी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और यही वजह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में अमेंडमेंट करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। बावजूद इसके, क्या पिता अपनी बेटी को पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर सकते हैं? आइए जानते हैं कि क्या कहता है कानून इस बारे में। दोस्तों, हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, पैतृक और खुद खरीदी गई। जनरली किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है और अपनी कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को स्वार्जित कहा जाता है, जबकि विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कहलाती है। आइए अब जानते हैं कि पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में किसका किसका हिस्सा होता है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो पिछली चार पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। इस दौरान इसका बंटवारा नहीं हुआ। बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से ही बराबर अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता, यानी इस मामले में वो किसी एक के नाम पर वसीयत भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकते। जन्म से ही बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। अगर पिता चाहे तो भी वो बेटी से उस अधिकार को नहीं छीन सकता। अब जो दूसरी बात आती है वो उसकी आती है कि जो संपत्ति पैतृक नहीं है, यानी जो आपके पिता के द्वारा स्वअर्जित प्रॉपर्टी है। अगर पिता ने कोई प्रॉपर्टी खुद खरीदी है, यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है, तो यहाँ पर बेटी का पक्ष थोड़ा कमज़ोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को भी गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती। बेटी का हक इस प्रॉपर्टी पर भी होता है, पर अगर पिता चाहे तो वो अपनी वसीयत करके जिसको भी वो प्रॉपर्टी देना चाहता है दे सकता है। लेकिन अगर वसीयत लिखे बिना ही पिता की मौत हो जाती है तो, दोस्तों, अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा, बेटियाँ और बेटों के साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको आपके पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर बेटी मैरिड हो तो, दोस्तों, 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियाँ सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के सदस्य मानी जाती थी, हम वारिस यानी कि समान उत्तराधिकारी नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वो होते हैं जिनका अपने से पहले की चार पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF का भी हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन 2005 की अमेंडमेंट के बाद बेटी को हम वारिस
यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। 2005 के संशोधन के बाद वैवाहिक दर्जे से पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार का कोई लेना देना नहीं रह गया है। दोस्तों, ये अमेंडमेंट हुई थी 2005 में, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2005 से पहले बेटी पैदा हुई हो तो, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई हो तो। हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुआ संशोधन 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ, और ये कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा, वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्वार्जित प्रॉपर्टी हो। दूसरी तरफ बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है अगर पिता 9 सितंबर 2005 तक जिंदा हो। अगर पिता की मृत्यु उस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा और पिता की स्वार्जित संपत्ति का बंटवारा उनकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने की होगी कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा 2004 से पहले हो गया है तो उसमें लड़की का हक नहीं बनता, क्योंकि इस मामले में पुराना हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होगा और इस सूरत में पहले से हुए बंटवारे को रद्द भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हमने बता दिया कि बेटियों को पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर ही हक मिलता है, बट उसके साथ साथ कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हक क्लेम कर लेंगे और प्रॉपर्टी लेकर निकल जाएंगे। अगर संपत्ति पर हक बराबर का है तो माता पिता की सेवा करने का उत्तरदायित्व भी दोनों का बराबर का हुआ। माता पिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी भाई और बहन दोनों को मिलकर संभालनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी मिल सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।